नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रजत मदान एग्रीकल्चर ट्रैक्टर कॉरपोरेशन हरियाणा खटाल से। तो दोस्तों आज मेरे साथ संजीव जी हैं जो कि क्योड़ा गांव कैथल से आए हैं। इन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल देखा था और वहां से हमारी वीडियो देख के हमें संपर्क किया था। तो मैं आज इनसे इनका फीडबैक लेना चाहूँगा कि इन्होंने हमें कैसे सर्च करा और ये अपनी क्या राय देना चाहते हैं, इन्होंने हमारे को कैसे कॉन्टैक्ट करा उसके बाद, और फैक्ट्री विजिट करने के बाद इनकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, इनको वैरायटी दिखी कि नहीं दिखी, मटेरियल के बारे में जो इनके जेन्युइन फीडबैक होंगे हम उनसे वही लेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार राजेश जी। सर थोड़ा सा हमारे अब किसान भाइयों को आप अपना परिचय दें और आप बताइए आपने हमें कैसे कॉन्टैक्ट किया। नमस्कार किसान भाइयों, मैंने रज जी का यूट्यूब पर देखा जी, सामान के बारे में पता लगा, एक्ट्री प्लास्ट का सामान लिया जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक्ट्री में रेट भी बहुत जेन्युइन लगे जी। आपकी रिक्वायरमेंट किस चीज की थी बेसिकली? मेरी रिक्वायरमेंट नेट हाउस के लिए है जी। अच्छा, आपका नेट हाउस लगा हुआ है क्या? लगा हुआ है जी, रिपेयर करवाना है। पहले रिप्लेसमेंट के लिए है मेरा नेट हाउस। इन्होंने नेट हाउस के रिप्लेसमेंट करने के लिए 3 साल पूरे हो गए थे, तो वो उन्होंने सब्सिडी के अंदर रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें कॉन्टेक्ट किया था। तो आपने हमें कब कॉन्टेक्ट किया था, हमारी तरफ से आपको फीडबैक कैसा लगा और मटेरियल के बारे में थोड़ा सा अपना जेन्युइन दोस्तों को फीडबैक दे। मटेरियल हमको बहुत अच्छा लगा जी, मैंने वैसे भी देखे नेट हाउस लगे हुए जी, उनसे बहुत ही बेस्ट लगा और मटेरियल भी अच्छा लगा जी। आपने कौन से मटेरियल की इंक्वायरी की थी? मैंने एक तो एग्री प्लास्ट का नेट हाउस इंसेक्ट नेट लिया है जी। कितने जीएसएम में लिया आपने? मैंने 120 जीएसएम में लिया है जी। ठीक है, और एक मैंने एप्रन लिया है। ठीक है, तकरीबन जो भी सामान लगता है जी वो सभी सामान मैंने लिया है। मैंने सामान बहुत जेन्युइन लगा, अच्छा सामान लगा जी। और इसके अंदर आप एक बार बताना चाहेंगे कि किसान भाइयों को और भी रिप्लेसमेंट करवानी हो तो किस हिसाब से गाइडलाइन होती है और किस हिसाब से कॉन्टेक्ट किया जाता है? हाँ, ये आके विजिट करें जी, करनाल में देखें, फैक्ट्री में हर सामान अवेलेबल है जी, वहाँ आए देखें। और बहुत ही मैंने तो अच्छा लगा जी, मैंने पहले और कहीं भी ट्राई किया जी, मैंने यहाँ सामान बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों इन्होंने हमसे एग्री प्लास का इंसेट नेट 120 जीएसएम की इंक्वायरी की थी, वो हमने इनको, इन्होंने एक दिन में इंक्वायरी करी, हमने इनको सेम डे ही अवेलेबल करवा दिया। और इन्होंने बॉटम एप्रन लिया है हमसे टफलेक्स का 160 जीएसएम का, और फर्दर इन्होंने जिगजैग स्प्रिंग भी लिया है, जीआई प्रोफाइल भी लिया है जो इनकी रिपेयरमेंट के लिए, और बीच वाले शेड नेट की भी इन्होंने इंक्वायरी करी है जो भी रिप्लेसमेंट के लिए किसान भाई चाहते हैं अपने खेत में, क्योंकि 3 साल हो गए और उसमें सरकार भी मदद करती है सब्सिडी देकर। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये हमारा इंसेट नेट पड़ा हुआ है जो कि हमने संजीव जी को केड़ा गांव से जो आया है इनको सप्लाई करा है। और फर्दर और भी नेट हाउस से संबंधित आपको कोई भी सामान चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसान भाइयों। और आपका फीडबैक कैसा देना चाहेंगे किसान भाइयों, अगर कोई हमसे लेना चाहे तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको सही लगी हमारी सर्विस या हमने आपको सही से अटेंड किया कि नहीं किया। रजत जी ने मेरे को बहुत अच्छी तरह सर्विस दी है जी, पहले भी हम सामान ले चुके हैं यहाँ से। मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ विजिट करें, देखें और सामान के बारे में जानकारी भी ले रजत जी से। तो जैसा संजीव जी ने आपको किसान भाइयों अपना फीडबैक दिया, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और आपको कोई और मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपको अच्छी से अच्छी सर्विस देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों।